अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत मन्नाका गांव में एक आरोपी को पुलिस पकड़ने गई तो उसके परिजनों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालांकि एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया है कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि कई थानों से वांछित अपराधी और एनईबी थाने का हिस्ट्री शीटर फिरोज खान गांव में मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गई। आरोपी को पकड़ने के बाद आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इसमें करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के बाद गांव के सभी लोग आरोपी की तलाश कर रहे थे। करीब 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें आरोपी की मां बहन और पिता भी शामिल हैं। जी, हम आज खड़े हैं मन्नाका गांव में। मन्नाका गांव में यहां पर कल पुलिस की जो टीम आई थी आरोपी फिरोज को गिरफ्त लेने के लिए, पर इसकी टीम पर पथराव किया गया, महिलाओं के द्वारा पथराव हुआ, जिसके कारण आरोपी फरार होने में सफल रहा। तो उसमें काफी नुकसान भी हुआ है। पुलिस की गाड़ी को भी फिलहाल हमारे साथ एडिशनल एसपी मौजूद हैं, तो उनसे करते हैं। यहाँ पर वो जांच कर रहे हैं और टीम पहुंच रही है धरपकड़ के लिए। सर, अभी तक आपने जैसे टीम पहुंची है, धरपकड़ प्रयास किए गए हैं, तो आरोपी गिरफ्त में आया है नहीं आया क्या? बिल्कुल, जो कल जो घटनाक्रम हुआ उसमें मुख्य आरोपी का पुलिस पीछा कर रही है, और पूरे घटनाक्रम में जिन्होंने उसका सपोर्ट किया छुपाने में और पुलिस पर अटैक करने में, लगभग 2 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है और उसमें से 1 दर्जन लोग अरेस्ट कर लिए पुलिस ने। और इसका जो मकान बना हुआ है इसका भी रेवेन्यू टीम के द्वारा इसका लेखा जोखा लिया गया, और इसमें काफी हद तक सरकारी, आप देख पा रहे हो, सरकारी जमीन में होना पाया गया है। इस पर भी एज पर लॉ, जो रेवेन्यू लॉज है उनके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पे जैसे रेड कलर के निशान लगाए हुए हैं कि जैसे सामने है कि सरकारी जमीन पे कब्जा है, तो किस तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी या किस तरीके से क्या होगा? बिल्कुल, ये यूआईटी की टीम डिसीजन लेगी। ये यूआईटी की जमीन है और जो इस तरह से निर्णय लेंगे पुलिस उसमें इम्दाद देगी। जो आरोपी था वो जैसे 5 लाख की फिरौती का जो मामला था उसमें आया है, तो उसको पकड़ने की पुलिस आई थी, एचएस के हिसाब से उसको अरेस्ट करने के लिए। बेसिकली मुकदमे में वांछित था, जैसे आपने बताया उस मुकदमे में वांछित था, तो अकॉर्डिंगली सूचना मिली पुलिस को, पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए आई थी और उसको पुलिस ने पकड़ भी लिया। पर इन्होंने, महिलाओं ने, परिवारजनों ने, जो उसके सपोर्टर्स थे, उन्होंने जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से पुलिस से छुड़ा लिया उसको। सरकारी जमीन है, उसको यूआईटी की टीम भी पहुंची है, उसके जिससे लेखा जोखा लिया गया, रेड कलर के निशान, जैसे मैं आपके सहयोगी आपको दिखाएंगे, रेड कलर के निशान लगाए गए हैं। अब भी इसमें तोड़फोड़ की जाएगी, क्या रहेगा क्या पुलिस के तरफ करने के लिए, जो टीम है पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जो मौके से जो फरार मुलजिम फिरोज है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जन टीवी के लिए अलवर से हेमंत जोशी।